हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुलेमान इमैनुएल। तो गाइस, आज की जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने लगे हैं, रिव्यू करने लगे हैं, वो है द पाकिस्तानी मूवी है द लेजेंड ऑफ मौला जट। फाइनली द वेट इज़ ओवर। तो आज उसके ऊपर उसके ट्रेलर आउट हो गया, आज हम उसके ऊपर रिव्यू करेंगे। और ये मूवी आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि 2018 में इसका टीज़र आया था, उसके बाद इस मूवी के ऊपर केस हो गया, फिर वो केस लड़े, फिर उसके बाद इस मूवी के बारे में न्यूज़ आ गई कि ये कैंसिल हो गई है, यानी कि रिलीज़ नहीं होगी। और 2018 के बाद आज 2022 में इसका ट्रेलर आउट हो गया और अब ये अक्टूबर में जाकर रिलीज होने वाली है। तो आज ट्रेलर देखते हैं, तो देखते हैं किस तरह की मूवी है, क्या स्टोरी है। तो करते हैं स्टार्ट। इसे पता कि इस कहानी का अंजाम ये होगा। मैं पुत्र नहीं, पूरे पिंड की मौत लैके आई हाँ, कैंट डायलॉग। तो अभी स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे हैं, जैसे विजुअल्स आए हैं, जो शॉर्ट्स लिए गए हैं, नो डाउट वो तो अच्छे हैं। आगे देखते हैं। कोई आम बंदा नहीं, सरदार जट का पुत्र मौला जट। सरदार जट का इंसाफ कमरे चो बाहर आ गए। अच्छा, इधर मायरा खान की अब तो देखें टोटली डिफरेंट है, देखो टोटल डिफरेंट लग रही है, जैसे इसकी दूसरे मूवीज में जो इसकी लुक आ रही है, शॉर्ट्स आते हैं उनमें से टोटली डिफरेंट है। तो ये मूवी भी जिस जैसी बनी है लग नहीं रहा कि ये कोई पाकिस्तानी मूवी है। और नो डाउट पाकिस्तानी जो सी मूवी इंडस्ट्री है वो प्रोग्रेस कर रही है, और ये मूवी भी यानी कि नहीं लग रहा, यानी कि हॉलीवुड टाइप की मूवी लग रही है। और जिस तरह की ये सीन्स वगैरह, ये वाले लड़ाई वाले, ये सम हाउ जो सा सीजन है गेम ऑफ थ्रोन उसके जैसा भी है। तो नो डाउट अच्छी इन्होंने किया है परफॉर्म प्रोग्रेस। तो आगे देखते हैं, यहाँ तक तो काफी अच्छी इंटरेस्टिंग लग रहा है। सामने एक शेर आया है। तू चंगी तरह जान ले तू कितने नाल पंगा लेता है, ऐ तेरे मौत दे कुएं वाले पहलवान नहीं। मौला मरण को चलिया को ओए ऐसे मैदान दा फैसला ते हुन मौला ही कर सकदा है। जिस सफर ते मैं जान लगा तेरे तो इतना दूर हो जाऊंगा जिन्ने तेरे तो ऐ तारे दूर ना। सरदारी दी पग सिर्फ ओदे सिर दे आ सकदी है जिदे ना दी दहशत तो हर दुश्मन दी औरत बांझ हो जावे। ते ओ इस पंजाब विच चेक किए मैं तेरे किट्टे तो लेके गड्ढे तक अन्न टूटे करांगा। कबर तक पहुंचते तेनू अपनी मां दी इको आवाज आएगी। मैदान जित सिर झुका के माफी मंगने वाले दी नहीं है। उठा के 13th
तो ये रहा गाइस ट्रेलर, और नो डाउट ट्रेलर से तो मूवी बहुत फिट लग रही है, अच्छी लग रही है। और मैं गारंटी दे के कह सकता हूँ, किसी को अगर ये ट्रेलर दिखाएं उसको ना बताएं कि पाकिस्तानी में, वो जज नहीं कर पाएगा कि ये पाकिस्तानी मूवी है। इसमें जो से ग्राफिक्स यूज़ किए गए हैं, विजुअलाइजेशन है और सारा कुछ, ये बॉलीवुड तो दूर की बात है, हॉलीवुड लेवल की है। और आप टाइम पीरियड तो देखा है, 2018 में स्टार्ट किया था, 2022 है, इसके पीछे भी कितनी स्ट्रगल की गई है। और नॉन स्टोरी भी अच्छी लग रही है, ये तो अब जब देखेंगे तब पता चलेगा सही। तो नॉन रोड जो एक पहला डायलॉग इसने मारा था कि मैं सारे पिंड की मौत लै के आई हूँ, तो डायलॉग्स भी अच्छे हैं, विजुअलाइजेशन भी अच्छी है, सारा कुछ ठीक है। और मूवी का जो सा लेवल है वो नॉन रोड वो हॉलीवुड लेवल का है। पाकिस्तानी इंडस्ट्री डे बाई डे प्रोग्रेस कर रही है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पीस आउट।